आप देख रहे हैं एसके न्यूज। घर में मोहल्ला में किसी से हमारी जमीन इधर इस बीच कोई झगड़ा वगैरह किसी से कभी कोई झगड़ा किसी से क्या दे आपका नंबर भी हमारे पास अलीम भैया का भी है। ये बाथरूम कराने गया था लड़का को लेटरिन, तो वो करा रहे थे उसी में वो लोग निकले तो गोली मार दी। कितने बजे की घटना है? 1 बजे की। तो कौन लोग थे? आप लोग उन लोगों को देख पाए? नहीं, उन लोगों को नहीं देख पाए। तो आप लोगों को कैसे मालूम चला कि उनको गोली लग गई? तो अब वो लोग आए, चिल्लाए, आवाज दी, तब हम लोग बाहर से अंदर से निकले बाहर। क्या घटना हुई है, क्या मामला है? घटना ये बाहर लेटे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर गोली चली है। तो ये जो बाहर लेटे थे कौन थे आपके? पिता थे। कितने समय गोली चली गई? 1 बजा होगा सर। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग अंदर लेटे थे। तो आप लोगों ने देखा नहीं गोली किसने चलाई? जब आवाज आई निकले बाहर, यहाँ कोई था नहीं। फायरिंग की है जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं और 2 लोगों की घटना पे मृत्यु हो गई है। सर, इससे पहले एक घटना इससे 1 दिन पहले हुई थी सर, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं उस घटना से इसका कोई संबंध? उसका क्या कोरिलेशन है उससे हम लोग देख रहे हैं। इस गांव में और भी पहले जितनी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, सारी घटनाओं की पृष्ठभूमि में जाकर के हम लोग इसी वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई वजह क्लियर होकर के उभर करके सामने नहीं आई है। अभी हम लोग को FIR भी नहीं मिला है, तो उनके परिजनों से हम लोग संपर्क में हैं। रंजिश का कोई एंगल होगा तो उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो सही लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक किसी को हिरासत में भी लिया गया क्या? ये पूछताछ के लिए कुछ लोग हैं हमारे पास, लेकिन उनको हिरासत में नहीं कर सकते और अभी तफ्तीश का काम चल रहा है।